फाइनली दोस्तों 4 महीने के वेकेशन के बाद 16 अक्टूबर को गिर नेशनल पार्क में लायन सफारी फिर से स्टार्ट हो गई है। और आज के इस वीडियो में हम डिटेल में गिर नेशनल पार्क और गिर लायन सफारी की बात करने वाले हैं। नमस्कार, केम छो, मजा में? मेरा नाम है धवल सादरिया, फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ बनाने का मुझे मोटिवेशन मिले, इसीलिए मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करके प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए और सोशल मीडिया पर भी इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का गिर नेशनल पार्क का लायन सफारी वाला वीडियो। जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्ल्ड में सिर्फ 2 जगहों पर ही लायन देखने को मिलते हैं। एक है केनिया, तंजानिया जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़, और दूसरी एक लौती जगह है इंडिया का गुजरात स्टेट, जहाँ पे जूनागढ़ के पास गिर फॉरेस्ट में हम आसानी से लायन को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में गिर नेशनल पार्क में हो रही लायन सफारी के बारे में, उसका टाइमिंग्स, उसके चार्जेस, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी सारी चीज़ें उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लायन सफारी में इंटरेस्टेड काफ़ी सारे लोग होंगे, लेकिन उनमें से भी काफ़ी से लोगों को ये नहीं पता होगा कि गिर फॉरेस्ट में 4 जगह पे लायन सफारी होती है, जिसमें से आज हम डिस्कस करने वाले हैं सासन गिर की जंगल ट्रेल के बारे में, और हमारा पूरा फोकस इसी प्लेस पर रहेगा। इसके अलावा 3 सफारी और है, जिसमें देवड़िया सफारी पार्क, गिरनार नेचर सफारी और आंबड़ी सफारी पार्क है, जिसकी बेसिक डिस्कशन में वीडियो के एंड में करूँगा। ये वीडियो है सिंह सदन सासन का, जहाँ से 16 अक्टूबर को मॉर्निंग में 6:30 बजे पहली लायन सफारी को रवाना किया गया है। और इसमें आप जो सफारी व्हीकल भी देख रहे हैं वो इस साल नए इंट्रोड्यूस किए हैं, तो इसके जो भी चार्जेस इंक्रीज हुए हैं उसके बारे में भी हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये है कि लायन सफारी के लिए परमिट बुकिंग कैसे करें। तो यहाँ पे परमिट बुक करने के लिए आपको सारी प्रोसेस ऑनलाइन करनी है, ऑफलाइन कोई भी प्रोसेस अवेलेबल नहीं है। और जैसे ही अगर आप गूगल भी सर्च करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स की लिंक मिलेगी, जो कि कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। यहाँ पे मैं वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ, girlion.gujarat.gov.in, और ये एक ही ऑफिशियल वेबसाइट है गिर नेशनल पार्क की, जहाँ से आप चारों की चारों सफारी अपने डेट और टाइमिंग के हिसाब से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। और ये वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं सासन की। सासन एक छोटा सा विलेज है जो गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में आता है, और यहाँ पर ही फॉरेस्ट का ऑफिस और सिंह सदन भी है। तो जैसे ही आपने ऑनलाइन सफारी बुक की है तो आपको रिपोर्टिंग सिंह सदन में ही करना है, और यहाँ से ही आपकी लायन सफारी स्टार्ट होगी। सासन के आसपास ना बहुत सारे रिसोर्ट भी है, होटल्स भी है, और फार्म हाउस पे आपको होम स्टे भी मिल जाएंगे। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जो भी फार्म हाउसेस है वहाँ पे मैंगो ट्रीज़ है और उसके नीचे होम स्टेज बनाए हैं, तो वहाँ पे आप टिपिकल काठियावाड़ी जो देसी फूड है और काठियावाड़ी कल्चर है उनका एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। फिर से बात करें वेबसाइट की, तो जैसे ही आप वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर आपको बुकिंग की सारी डिटेल्स मिल जाएगी और काफ़ी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। फिर भी हम यहाँ पे वेबसाइट को थोड़ा सा रिफ़र कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि जो सासन की लायन सफारी है वो 16 जून से 15 अक्टूबर 4 महीने तक क्लोज रहती है। ये टाइम में मॉनसून भी अपने पीक पे होता है और लायन का जो मेटिंग पीरियड है वो भी यही महीने होता है, तो इसकी वजह से ये लायन सफारी क्लोज रहती है। वेकेशन के बाद सासन की लायन सफारी वीक में सारे दिन ओपन रहती है। वीकडेज में पर डे 150 परमिट इश्यू होती है, वीकेंड और फेस्टिवल के दिनों में 180 परमिट इश्यू होती है। दोस्तों एक परमिट पे मैक्सिमम 6 लोग और एक 5 से 13 साल का चाइल्ड सफारी कर सकता है। अब बात करते हैं सफारी टाइमिंग्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे जो भी इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं वो सारी मैंने वेबसाइट पर से ही ली है। और टाइमिंग्स की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, विंटर और समर सीज़न में टाइमिंग्स में थोड़ा सा चेंज है। फ़िलहाल विंटर सीज़न स्टार्ट हो गया, तो हम विंटर सीज़न की बात करेंगे। विंटर में आप देख रहे हैं 6:30 से 9:30, 9:30 से 12:30, और इवनिंग टाइम में 3 to 6 का टाइमिंग्स दिखा रहा है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा अर्ली मॉर्निंग वाला टाइम। और ये मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, इसका आंसर भी आपको वीडियो में आगे मिल जाएगा।
देवी और सज्जनों, आगे बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लायन सफारी के चार्जेस के बारे में, और सारे चार्जेस की डिटेल्स ये रही स्क्रीन पे आपके सामने। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि वीकडेज में एक परमिट का चार्ज 800 रुपये है, प्लस एक्स्ट्रा चाइल्ड का 100 रुपीज़ चार्ज है, और ये चार्जेस वीकेंड और फेस्टिवल्स के दिनों में बढ़ के 1000 पर परमिट हो जाता है, और चाइल्ड का 125 हो जाता है। इवन फॉरेनर्स के भी जो चार्जेस है वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जो चार्जेस है वो सिर्फ परमिट के ही चार्जेस है, इसमें सफारी व्हीकल और गाइड चार्ज इंक्लूडेड नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको ऑनलाइन बुकिंग करना है, तो ऑनलाइन बुकिंग के टाइम पे आपको जितने भी मेंबर लायन सफारी में जाने वाले हैं उनकी सारी डिटेल्स और उनका आईडी अपलोड करना होगा, और फाइनल में सिर्फ परमिट का ही पेमेंट ऑनलाइन करना होगा। जैसे ही आपका पेमेंट कंफर्म होगा आपको इस तरह की एक ई परमिट जनरेट होगी जो आपको मेल थ्रू भेज दी जाएगी। ई परमिट जनरेट होने के बाद आगे की जो भी प्रोसेस है उसकी सारी डिटेल्स आपको ई परमिट में ही मिलेगी, फिर भी उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो भी आपका सफारी टाइमिंग है उससे आधा घंटा आपको पहले सीन सदन में रिपोर्ट करना है, और जो ई परमिट आपको मेल के थ्रू मिली है उसकी हार्ड कॉपी लेके वहाँ पे जाना है। इसके साथ आपने जो भी आईडी वेबसाइट पे बुकिंग के टाइम पे अपलोड किया है उसका ओरिजिनल कॉपी लेके वहाँ पे दिखाना होगा, इसके लिए आपको ओरिजिनल कॉपी लेके जाना है। शासन के सी सदन रिपोर्टिंग के बाद हमें हमारी ई परमिट वहाँ पे दिखानी है, और वहाँ से हमारा बोर्डिंग पास जनरेट होगा जिसमें हमारी सारी डिटेल्स, गाइड का नाम और मोबाइल नंबर, सफारी कार और उनका नंबर जैसी सारी डिटेल्स उसमें होगी। और अगर आपके पास कोई मूवी कैमरा या फिर डीएसएलआर कैमरा है तो उसके जो भी चार्जेस है आई थिंक 200 या फिर 300 कुछ है, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई कैमरा नहीं था तो मैंने वो फीस पे नहीं किए, तो जो भी चार्जेस है वो आपको वहीं पर ही पे करने होंगे, और उसकी भी आपको अलग से एक रिसिट मिल जाएगी। बोर्डिंग पास जनरेट होने के बाद हमें हमारे गाइड और सफारी कार के पास पहुँचना है, और जो भी उनके चार्जेस है वो हम आगे डिस्कस करने वाले, वो सारे चार्जेस इनको इन हैंड पे करने हैं। गाइड और सफारी कार के चार्जेस जानने से पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, ये चमचमाती हुई नई कार की जो रैली है, मतलब एक के बाद एक कार निकल रही है, ऐसी 100 सफारी कार्स इस बार शासन में इंट्रोड्यूस की गई है, क्योंकि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से पुरानी जो जिप्सी कार थी वो आउट ऑफ डेट हो गई है, इसलिए उनको स्क्रैप कर दिया है। और ऑब्वियसली नई कार है तो इनके चार्जेस भी इस बार इंक्रीज कर दिए हैं। पहले 2000 रुपीज़ में जो जिप्सी सफारी थी उसके चार्जेस अभी 3500 हो गए हैं। गाइड के लिए जो ओल्ड रेट थे 400 रुपीज़ वो एज इट इज़ वैसे के वैसे ही है। इसके अलावा यहाँ पे टोटल 180 सफारी कार है, जिसमें से अगर आपको पुरानी जिप्सी अलॉट होती है तो उसके आपको 2000 रुपीज़ ही पे करने होंगे। दोस्तों इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद हमारा टाइम हो गया लायन सफारी के लिए निकलने का। मुझे मॉर्निंग का स्लॉट बुकिंग में नहीं मिला था, इसलिए मैंने इवनिंग वाला स्लॉट लिया है। 2:30 का हमारा रिपोर्टिंग था। हम यहाँ पे हमारे गाइड और जिप्सी ड्राइवर के साथ निकलने की तैयारी में है। सिंह सदन से निकलने के 2-3 किलोमीटर के बाद ही फॉरेस्ट की एंट्री आती है, जहाँ से सारी सफारी कार फॉरेस्ट में एंटर करती है, और यहाँ पे फिर से सफारी कार और उसके लायन सफारी के मेंबर्स का रीचेकिंग होता है, उसके बाद ही सबको एंट्री मिलती है। गिर का जो ये फॉरेस्ट है वो 1500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और यहाँ पे सफारी के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने काफ़ी सारी सफारी ट्रेल बनाई है, और जब हमारा बोर्डिंग पास हमें मिलता है तो वो बोर्डिंग पास में हमें एक स्पेसिफिक जो ट्रेल है वो अलॉट किया जाता है, तो हमारा जो गाइड और ड्राइवर है उसको वही ट्रेल फॉलो करना है, और उससे हम दूसरे ट्रेल पे स्विच नहीं कर सकते। और इवन हमारी जो सफारी कार है उसमें भी जीपीएस ट्रैकर लगा होता है, और इसका मॉनिटरिंग भी सी सदन में होता है, और यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसको हमें फॉलो भी करना है, कि आप अपनी जिप्सी कार से नीचे नहीं उतर सकते, आप नीचे उतर के कोई भी वाइल्ड एनिमल के साथ सेल्फी या फिर फोटोग्राफ्स नहीं खींच सकते, इसके अलावा आप 3-4 मिनट से ज़्यादा
अपनी सफारी कार को कहीं पे स्टॉप भी नहीं करवा सकते। तो आपको ये सारे जो भी रूल्स है उनको फॉलो करना पड़ेगा। स्लोली स्लोली हम फॉरेस्ट में आगे भी बढ़ रहे थे और टाइम भी बहुत तेज़ी से जा रहा था, ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे हो गए थे, लेकिन हमें एक भी लायन देखने को नहीं मिला था। हमने काफ़ी सारे एनिमल्स देखे, मंकीज देखे, ईगल्स और ब्लैक काइट जैसे बर्ड्स भी देखे, लेकिन लायन नहीं दिख रहा था। तो मैं और मेरे साथ आए हुए फ्रेंड्स भी थोड़े से निराश थे। तभी हमारा गाइड है, उन्होंने हमें बताया कि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि लायन सफारी में आपको लायन दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि एक तो फॉरेस्ट बहुत बड़ा है और उसकी कंपैरिजन में लायन की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है। हमारे गाइड ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए एक और रीज़न बताया कि लायन को ना लेजी एनिमल माना जाता है। अगर मान लो कि उसने कहीं पे शिकार किया है तो वो वहाँ से अपना पेट भर के 2-3 दिन तक कहीं पे मूव नहीं करता है। इवन एक और रीज़न ये भी है कि अगर तेज़ धूप हो तो वो कई झाड़ियों में छुप जाते हैं और ज़्यादा मूव नहीं करते। इसीलिए मैंने आपको मॉर्निंग सफारी का रिकमेंडेशन दिया था, क्योंकि मॉर्निंग में शिकार और पानी की खोज में लायन ज़्यादा एक्टिव होते हैं। करीब करीब 2.5 घंटे की सफारी के बाद हमें एंड में ये वीडियो में आप देख रहे हैं 2 लायोनेस है वो हमें देखने को मिली। इसमें आप देख सकते हैं कि एक लायोनेस के गले में जो एक पट्टा सा लगा है उसको रेडियो कॉलर बोलते हैं। यहाँ पे अगर कोई ऐसे बीमार है या फिर कोई प्रेग्नेंट है या किसी ने कोई ह्यूमन पे अटैक किया है तो ऐसे कुछ रीजन्स होते जिसकी वजह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनके गले में ये रेडियो कॉलर पहनाते हैं और फिर उसको मॉनिटरिंग करते हैं। 2.5 घंटे घूमने के बाद लायोनेस के साथ एक सेल्फी तो बनती है। यहाँ पे जो सेल्फी मैंने ली है वो मैंने सफारी कार में से ही ली है। तो बी श्योर कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि आप सफारी कार से नीचे बिल्कुल नहीं उतरना है। 3 घंटे की लायन सफारी और काफ़ी सारी मेमोरीज़ के साथ हमारे सफारी ड्राइवर ने हमें सिंह सदन ड्रॉप किया और मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। और इसके हिसाब से मैं आपको इतना कहूँगा कि लाइफ में आपको एक बार ये लायन सफारी ज़रूर करनी चाहिए। अब जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं बाकी की 3 लायन सफारी के बारे में। सबसे पहले आता है देवलिया सफारी पार्क। देवलिया सफारी पार्क सासण से 13 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे आपको पैक जिप्सी और नॉन एसी बस दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। इसकी बुकिंग भी आपको सेम वेबसाइट से ऑनलाइन करनी है। इनकेस अगर ऑनलाइन बुकिंग में बुकिंग सारी फुल नहीं होती है तो आपको देवलिया सफारी पार्क का जो रिसेप्शन काउंटर है वहाँ से भी बस की टिकट मिल जाएगी। देवलिया सफारी पार्क एक पर्टिकुलर एरिया को कोर्डन करके बनाया गया है, तो ये मैन मेड सफारी पार्क है और इसमें 6 से 10 लायंस रखे हैं। तो अगर आपको कोई भी सिचुएशन में लायन को देखना ही देखना है तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। लायन सफारी के लिए पिछले साल एक और सफारी इंट्रोड्यूस की गई थी जिसका नाम है गिरनार नेचर सफारी। जूनागढ़ में गिरनार माउंटेन के पास से ये सफारी स्टार्ट होती है, तो अगर आप ये सफारी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इसके साथ साथ आप जूनागढ़ सिटी और गिरनार माउंटेन को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सफारी की डिटेल्स की मैं बात करूँ तो सासणगीर की जो सफारी है वो और गिरनार की ये नेचर सफारी दोनों में सिर्फ लोकेशन का ही डिफरेंस है, बाकी टाइमिंग्स, चार्जेस और जो भी सारी चीज़ें वो सेम टू सेम ही है। दोस्तों अब बात करते हैं आखिरी लायन सफारी पार्क के बारे में। इसका नाम है आंबरडी लायन सफारी पार्क, जो कि बाकी के 3 लायन सफारी पार्क है उससे टोटली ऑपोजिट डिरेक्शन में है। ये सफारी पार्क अमरेली डिस्ट्रिक्ट में धारी नाम का एक टाउन है उससे 12 किलोमीटर दूर बनाया गया है और इसको भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पे आपको सिर्फ नॉन एसी बस का ऑप्शन मिलेगा और वो भी 1 घंटे की सफारी है। यहाँ पे जिप्सी को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है और बाकी की सारी चीज़ें जैसे टाइमिंग्स, चार्जेस, सीज़न, सब कुछ आपकी सारी जो डिटेल्स है वो आपको वेबसाइट पर ऑलरेडी मिल जाएगी। और जैसा कि मैंने देवलिया के बारे में बताया था वैसे ही यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर एरिया कोर्डन करके इसमें लायंस रखे गए हैं, तो यहाँ पर भी आपको 100% लायन स्पॉट हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि गिर फॉरेस्ट में हो रही लायन सफारी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको ये वीडियो से मिल गई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पर शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।